नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सोशियोलॉजी विषय के इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पार्ट के अंतर्गत क्विज 3 सॉल्व करेंगे। इस क्विज 3 के अंतर्गत कुल 10 प्रश्नों को मैंने तैयार किया है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये डेट डाल दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए कि समाज शास्त्र का जनक कौन है। ओब्वियसली सभी को पता होगा, अगस्त कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समाज शास्त्र शब्द की रचना से पूर्व कांट ने समाज शास्त्र को कौन सा नाम दिया था। सामाजिक मानव शास्त्र, सामाजिक जीव शास्त्र, सामाजिक नीति शास्त्र या फिर सामाजिक भौतिकी। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कांट ने सबसे पहले समाजशास्त्र की रचना करते समय उन्होंने जो नाम दिया था वो सोशल फिजिक्स का नाम दिया था, सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था। बाद में बेल्जियम के एक वैज्ञानिक एडोल्फ क्वेटलेट थे जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग अपने एक आर्टिकल में किया, तो फिर कांट ने अपने जो नए शास्त्र की उन्होंने रचना की थी उसका नाम बदलकर उन्होंने समाजशास्त्र कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा है। समाज की परिभाषा को देखते समय एक विद्वान ने ये बात कही है। पहला है बोगार्डस, गिंसबर्ग, कूले, मैकाइबर एंड पेज। तो ये शब्द कहा है मैकाइबर एंड पेज ने। हम समितियों के, क्वेश्चन नंबर 4 है, हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, ये बात किसने कही है। ऑप्शन है फिचर, ग्रीन, कूले, मैकाइवर एंड पेज। हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, तो ये बात मैकाइवर एंड पेज के, पेज ने ये बात कही है। छात्रों, समितियों में जो है वो सदस्यता पाई जाती है जबकि संस्थाओं में नहीं, कि समिति जो है वो सदस्यों से मिलके बनती है, संस्थाएं जो है वो सदस्यों से मिलके नहीं बनती। संस्थाएं तो नियमों की एक व्यवस्था होती है, ठीक है, तो इसमें सदस्यता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सोशियोलॉजी, पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो समनर, एलेक्स इंकल्स, गिडिंग्स, मैकाइवर एंड पेज, ये प्रसिद्ध पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो ये लिखा है एलेक्स इंकल्स ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक, ऑप्शन है स्पेंसर, मीड, जॉनसन, कूले। तो सबसे पहली जो सोशियोलॉजी के नाम से जो लिखी गई सबसे प्रथम पुस्तक है वो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है, और इस पुस्तक को स्पेंसर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फॉगवेज पुस्तक के लेखक कौन है। समनर, डेविस, फेयरचाइल्ड या फिर पार्सन्स। फॉगवेज, जनरीतियां, तो जनरीतियां, लोकाचार, इन सब की अवधारणा जो है वो समनर ने दी थी, तो फॉगवेज पुस्तक जो लिखी है वो समनर ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्राथमिक समूह कौन है। ऑप्शन देखते हैं गांव, परिवार, नगर, कस्बा। अब इसमें आपको देखा बताना है कि प्राथमिक समूह क्या, गांव प्राथमिक समूह है या फिर परिवार या नगर या कस्बा। तो इसमें जो प्राथमिक समूह है कूले के अनुसार वो परिवार है। अब गांव क्या है, गांव, नगर, कस्बा, ठीक है, ये सब जो है समुदाय की श्रेणी में आ सकते हैं, आएंगे। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, जाति एक बंद वर्ग है, यह परिभाषा किसकी है। जाति एक बंद, क्लोज्ड क्लास, जीएस घुरिए, डीएन मजूमदार, पीएन प्रभु, इरावती करवे। तो यह जो परिभाषा है जाति एक बंद वर्ग, यह बात कही है डीएन मजूमदार ने। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। भारत में विवाह एवं परिवार, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है,
ऑप्शन है जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, एन के बोस, के एम कपाड़िया। तो इस पुस्तक को लिखा है के एम कपाड़िया ने। यहां से स्कोर हम लोग देखते हैं, ठीक, सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। तो आशा है दोस्तों आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।